हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो गाइस अभी जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में फिर देखा है अगर आप भी कुछ इसी तरह का न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो अपनी फोटो लगाकर तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखते रहना तो so, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको कुछ इसी तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा गाइज इस एप्लीकेशन का नाम है अलाइट मोशन अगर आपके पास अलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सजा के डाउनलोड कर सकते हो मैंने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को टेलीग्राम पे पिन कर दिया है तो वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके साथ में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑल मटेरियल का लिंक मिल जाएगा जाके डाउनलोड कर लेना है अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाना है एक बीट माल प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा उस पर क्लिक कर देना है या एक्समेल फाइल को भी आपको कुछ इसी तरह से क्लिक कर लेना है और इम्पोर्ट की ऑप्शन में क्लिक करके उसको अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इम्पोर्ट कर लेना है ध्यान रखना अपने मोबाइल की इंटरनेट को ज़रूर ऑन करके रख लेना ओके यहाँ पर देख सकते हो तो गैज कुछ इस तरह से आपको लाल कलर की बीट देखने को मिल रहा है इन सभी में गाइज आपको लिरिक्स को लिखना होगा यानी लिरिक्स को लिखना होगा और यहाँ से गायज देखो यहाँ पर बारह सेकेंड के बाद में इधर जितने भी बीट देखने को मिल रहा है इन सभी में गाइज आपको अपनी फोटोज़ को फिक्स करना होगा ओके तो चलिए गज पहले यहाँ पर हम लिरिक्स को लिखेंगे उसके बाद में मैं गज यहाँ पर फोटोज़ को फिक्स करूँगा तो गैज यहाँ पर क्या करेंगे मैंने लिरिक्स पहले ही कॉपी करके रख लिया था एक्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ लिरिक्स को आप स्क्रीनशॉट ले लेना या गैस गूगल पर जाकर सर्च कर लेना और यहाँ पे सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ओके कॉपी करने के बाद में इसी वाले में आ जाएंगे प्रोजेक्ट में अभी गायज यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके टैक्स की ऑप्शन में आ जाएंगे देन यहाँ पर लिरिक्स की तीन वर्ड ऑनली पेस्ट कर देना है ठीक है बाकी जो वर्ड होगा हम कॉपी कर लेंगे नेक्स्ट में हम ऐड कर देंगे ठीक है अब ये देखो देखोगा यहाँ पर तो हमने लिख लिया है अब एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना का लिरिक्स का हर एक वर्ड स्टार्टिंग वाला जो है कैपिटल में होना चाहिए जैसे गाय सी आपका ऐसा होगा तो आपको सिंपली इसको कट करके सी को कैपिटल में करना जितने भी वर्ड आप लिखोगे ठीक है उसके बाद में कज अब आपको क्या करना है यहाँ पर देख सकते सको तो एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर एक कलर का इसको क्लिक कर लेना है के लिए कोई भी कलर अभी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है ठीक है उसके बाद में गाज यहाँ पर आपको फॉन्ट की ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और लेमन मिल्क मीडियम नाम का ये फॉन्ट है इसको सिलेक्ट कर लेना है ठीक है गाज सेलेक्ट करने के बाद में मैगज अभी आपको इसको नीचे की तरफ कर देना है और नीचे की तरफ करने के बाद में नीचे इससे होता है गज तो इस तरफ आप सॉरी गाज यहाँ पर मैं आपको दिखा रहे थे इस तरफ कर देना है उसके बाद में थोड़ा सा इसको स्पेस दे देना है ठीक है और स्पेस देने के बाद में मैगज अब यहाँ पर क्लिक कर देना है डन कर देना है डन करने के बाद में गज अब इसकी ड्यूरेशन को आपको बारह सेकेंड तक ले जाना है ठीक है तो यहाँ पर मैं बारह सेकंड तक आ जाता हूँ इसी लिरिक्स पर क्लिक करके इस ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो लिरिक्स यहाँ तक आ जाएगा अभी मोबाइल ट्रांसफर में आकर थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके कुछ इस तरह से लिरिक्स को जूम कर लेना है दन गज यहाँ पर जूम करने के बाद में बीच में हम अच्छे से यहाँ पर इसको फिक्स कर देते हैं देखो कुछ इस तरह से ठीक है सो गाज यहाँ पर बीच में मैंने फिक्स कर दिया है ये आपको कलर एंड फील की ऑप्शन में आ जाना है इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है गाज उसके बाद में देखो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा ठीक है ब्लैक कलर जहाँ दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर लेना है यहाँ से कोई भी कलर को आपको ऐड कर लेना है ग्रीन ब्लू ब्लैक जो भी आप ऐड करना चाहते हो अपने हिसाब से कर लेना है यहाँ पर अगज देखो मैं पिंक वाले कलर को ऐड कर लूँगा ठीक है और ये जो नीचे है गाज ये जो व्हाइट वाला कलर है इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको आपको येलो कर लेना है जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो और येलो मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे इस ऑप्शन में क्लिक करके थोड़ा सा मैं येलो को डार्क कर दूंगा ठीक है ओके बाद उसके बाद में गाज, सॉरी गाज़ी उसके बाद में आपको क्या करना है इसको गाज यहाँ पर नीचे करना है थोड़ा इस तरफ नीचे करना है तो ज्यादा आपको येल्लो कलर दिखना चाहिए और ऊपर हल्का सा पिंक गाज आपको दिखना चाहिए ओके तो मैं कुछ इसी तरह से सेटिंग कर रहा हूँ देखो कुछ इस तरह से और भी ऊपर कर देते हैं देन गाज यहाँ पर ऊपर और कर देता हूँ फाइनली गाज यहाँ पर मैं अब इसको डन कर देता हूँ ठीक है सो so फाइनली गाज हमारा लिरिक्स का काम तो इतना तक हो चुका है अब फिर से आगे यहाँ तक आ जाना है बीट तक फिर बी यहाँ पर क्लिक करके बीच में एक कट लगा देना लिरिक्स पे फिर नेक्स्ट लिरिक्स पर क्लिक करके एडिट टैक्स में जाना है यहाँ पर गाजी एडिट टैक्स में आ जाते हैं देन गाज दूसरी जो भी गाज यहाँ पर लिरिक्स होगा उसको हम ट्रीम कर देंगे और जिस लिरिक्स को हमने कॉपी किया था फिर से गाज यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे ठीक है पेस्ट करने के बाद फिर जो तीन वर्ड यहां पे हम रख लेंगे बाकी को गैज यहां से डिलीट कर देंगे फिर से गैज ये जो देखो आपको यहां पर टी से इधर आपको आ जाना इस ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा और यहाँ पे स्पेस दे दे देना है और बीच तक आपको फोटो के ले आके फिक्स कर देना है फिर आपको डन कर देना है गाज और एक चीज़ का ध्यान रखने का जैसे लिरिक्स लिखोगे देखो एक दूसरे को ऊपर आ रहा है लिरिक्स ये तो पहले स्टार्टिंग में जो लिरिक्स आप लिखोगे उसको क्लिक कर लीजिएगा थोड़ा सा इधर ट्रिम कर लीजिएगा ठीक है फिर से गाज यहाँ पर बीच में कट लगा देंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट वाले लिरिक्स पर और यहाँ पर जो लिरिक्स हमने लिखा इसको यहाँ से सिंपली इसको हम डिलेट कर देते हैं ठीक है फिर से नेक्स्ट में तीन वर्ड आपको लिख लेना है और बाकी का जो गाज लिरिक्स है कॉपी कर लेंगे ठीक है फिर से गाज यहाँ पे एस जो है इसको नीचे की तरफ कर देना है और थोड़ा सा आपको स्पेस दे देना है ठीक है और डन कर देना है सो so फाइनली पर हो चुका है फिर से यहाँ पे क्या करेंगे थोड़ा सा हम लिरिक्स को ट्रीम कर देंगे ठीक है अब गाज इधर भी देखो फिक्स है इधर भी गाज यहां पर क्लिक करना है मूव एंड ट्रांसफर पर और लिरिक्स को फिक्स कर लेना है फिर से गाज यहां पर क्लिक करना है मूव एंड ट्रांसफर में आना है और लिरिक्स को बीच में फिक्स कर देना है ओके उसके बाद में गाज यहाँ पर फिर से बीच में कट लगा देना है उसके बाद में थोड़ा सा लिरिक्स के इधर वाले पार्ट को आपको कट कर देना है फिर से नेक्स्ट लिरिक्स लिख लेना है फिर इस फिर बीच में कट लगा देना है गज फिर से इधर की पार्ट को थोड़ा सा ट्रिम कर देना है फिर से गज बीच में कट लगा देना है फिर से पार्ट को ट्रिम कर देना है और लिरिक्स को कुछ इस तरह से ही आपको स्टेप बाय स्टेप लिरिक्स को अभी फ़िलहाल में लिख लेना है सो फाइनली गाज जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल कुछ इसी तरह से आपको गज लिरिक्स को लिख लेना होगा जब आप लिरिक्स को लिख लोगे उसके बाद में गज अब आपको इधर क्या करना है फोटोस को फिक्स करना है तो फोटोज को फिक्स करने के लिए प्लस पे क्लिक करेंगे मीडिया के ऑप्शन में आ जाएंगे गैलरी से गाइज फोटो को हम सेलेक्ट कर लेंगे ओके मूव एंड ट्रांसफर में आकर थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके कुछ इस तरह से जूम भी कर सकते हो फोटोज़ को और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करके बीच में फिक्स कर सकते हो बैक हो जाना है इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है देन इधर एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देना क्योंकि बीट फोटो की यहीं तक है फिर से प्लस में क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आ जाएंगे फिर से गायज यहाँ से सेकेंड फोटो को हम सिलेक्ट कर लेंगे इसको गायज कुछ इस तरह से आप जूम भी कर सकते हो देख सकते हो तो गैज अभी थोड़ी सी मेरे को लग रहा है कि नया फीचर ये अलर्ट मोशन में आ गया क्योंकि पहले जब जूम करते थे तो गैज अच्छे से फिक्स होता था लेकिन अभी थोड़ा सा ये आ, मतलब कि फ्लिप तरफ का होने लग गया देख रहे हो तो आपको कुछ इस तरह से भी आप यहां पर जूम कर सकते हो और फाइनली पर हम इसको अच्छे से थोड़ा सा फिक्स कर देंगे फोटोज को और फिक्स करने के बाद फिर से इधर क्लिक करके ट्रिम कर देना है प्लस पे क्लिक करना मीडिया का ऑप्शन में आ जाना थर्ड फोटो का क्लिक कर लेना थ्री डॉट पर आके फिल स्किल फिल कंप्रेशन एरिया कर लेना है बीच में फिक्स कर लेना है फिर से एक्स्ट्रा पार्ट को इधर से ट्रिम कर देना है फिर प्लस पर क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आ जाना है देन गाज गैलरी में आना है थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंप्रेशन एडिया कर लेना है मूव एंड ट्रांसफर में आके थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके जूम कर लेंगे फोटो को बीच में हम फिक्स कर लेंगे फिर से गाज इधर के एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देना है सो फाइनली गाज कुछ इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप पहले लिरिक्स को लिख लेना है जब आप लिरिक्स को लिख लोगे उसके बाद में गाज आपको जितने भी फोटोज़ की यहाँ पर बीट मार्क देखने को मिलेगा सभी में आपको अपनी फोटोज या जिस भी फोटोज से तो आप स्टेटस बनाना चाहते हो उन सभी फ़ोटोज़ को आपको अच्छे से फिक्स कर लेना जैसे कि गाज

को अच्छे से लिख लेता हूं उसके बाद में आपको इफेक्ट को बताऊंगा कैसे लगाना है तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखते रहना यहां पर एक एक फोटो में फिक्स करने लग जाऊंगा तो आप सब आ, मतलब कि आप सब देख ही सकते हो कि कितना सारा बीट मार्क आपको यहाँ पर मिलेगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसलिए मैं यहाँ पर पहले फोटोज़ और लिरिक्स को अच्छे तरह से लिख लेता हूँ फिक्स कर देता हूँ फिर आपको बताऊँगा कि इफेक्ट कौन सा लगाना so है फाइनली गाइज यहाँ पर जितने भी लिरिक्स की ज़रूरत था मैंने अच्छे से गाज यहाँ पर लिख दिया है देन इधर देख सकते हो मैंने सभी बीट मार्क के बीच में इधर फ़ोटोज़ को अच्छे से फिक्स कर दिया है तो कुछ इसी तरह से गाज आपको भी कर लेना है उसके बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्री का लिंक मिल जाएगा जैसे आपने बीट मार प्रोजेक्ट को इंपोर्ट किया था वैसे ही आपको प्रीसेट को भी इंपोर्ट कर लेना है अलाइट मोशन एप्लीकेशन में और प्रीसेट का एक्सटनल फाइल भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में तो यहां पर सिंपली मैं प्रोजेक्ट के ऑप्शन में क्लिक करके इस प्रीसेट में आ जाऊंगा फर्स्ट में कुछ इस तरह से मिलेगा सेकेंड में गैज कुछ इस तरह से शेक इफेक्ट मिलेगा थर्ड में गज यहां पर आपको रेज इफेक्ट ग्लो स्कैन वाली गैज यहां पर लिरिक्स की प्रीसेट मिल जाएगी तो अब आपको क्या करना है क्लिक कर लेना है लिरिक्स वाले पे इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लेना देन बैक हो जाना है आपको ओके okay? उसके बाद उसी प्रोजेक्ट में आदमी जिसमें आप एडिटिंग कर रहे हो अब सभी लिरिक्स पे एक एक करके क्लिक करना है इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर देना है नेक्स्ट लिरिक्स पे भी क्लिक करना है इफेक्ट में आके कर थ्री डॉट पे आके पेस्ट कर देना है फिर से गए थर्ड वाले लिरिक्स को क्लिक करना इफेक्ट में आके पेस्ट कर देना है देन का जितने भी आपने लिरिक्स लिखा है सभी पर आपको कुछ इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप एक एक करके क्लिक करते जाना है और यहाँ पर गाय इस इफेक्ट को पेस्ट कर देना है ओके सो फाइनली गज यहाँ पर जितने भी लिरिक्स था मैंने अच्छे से गाजी यहाँ पे इफेक्ट को लगा दिया है एक बार मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखा रहा हूँ देखो कुछ इस तरह से गाज कमाल की एक ऑसम awesome सी गाज देखो यहाँ पे ये यह इफेक्ट जो है बहुत ही जबरदस्त मुझे लग रहा है इस लिरिक्स में तो कुछ इसी तरह से गाज आपको यहाँ पे लिरिक्स पे इफेक्ट को लगा लेना है फिर से अब आपको बैक हो जाना है इसी प्री में आ जाना है फर्स्ट वाली प्रीसेट को आपको क्लिक कर लेना है इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट करके बैक हो जाना है उसके बाद में गैज इसी प्रोजेक्ट में आ जाना जिसमें आप एडिटिंग कर रहे हो गैज मैं एक चीज आपको पहले बता देता हूं देखो यहाँ पे बहुत सारा बीट है और यहां पे मेरे माइक लगा हुआ है तो मैं आवाज़ नहीं सुन पाऊंगा लेकिन अगर आप गैज यहाँ पे जैसे वीडियो स्टेटस बनाओगे जब आपकी जब आप सॉन्ग सुनोगे तो आपको वहां पर दो तरह के ट्यून देखेगा यानी कि एक तो डी जैसे बजता है गैज वैसा एक बीट आएगा और एक गाइस थोड़ी सी खटखट -खट टाइप की बीट आएगी ठीक है तो जहां खटखट -खट टाइप की बीट आएगी आपको सेकेंड नंबर वाला प्रीसेट को लगाना है और जहां पर डीजे बेस वाली गाइस मतलब कि जो साउंड आएगी वहां पर गाज़ आपको फर्स्ट नंबर वाला इफ़ेक्ट को क्लिक करके पेस्ट करना है ऐसे के गाइस यहां पे डीजे बेस वाली इफेक्ट आ जाती है तो इसको पेस्ट कर देंगे फिर से गाज यहाँ पर देखो फिर से वही डीजे बेस वाली इफेक्ट आएगी तो क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट कर देंगे फिर से गाज यहाँ पे भी वही इफेक्ट आएगा तो क्लिक करेंगे इफेक्ट में आके पेस्ट कर देंगे ओके फिर से इसको छोड़ देंगे गाज फिर से इसको क्लिक करेंगे इफेक्ट में आके पेस्ट कर देंगे देन गाज फिर से इसको क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट कर देंगे गाज यहाँ पर मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं सॉन्ग नहीं सुन पा रहा हूँ इसलिए गाज मैं आपको बता देता हूँ आपको अपने हिसाब से सॉन्ग को अच्छे से सुन के इफेक्ट को लगाना होगा ओके तो मैं गैज प्रीसेट दे दिया हूँ आपको स्टेप बाई स्टेप कुछ इसी तरह से जहाँ जहाँ पे डी वाली साउंड आती है आपको डी वाला ये प्रीसेट को यूज कर देना है और जहाँ पर गैज आपको थोड़ी सी खटखट टाइप की बीट आती है यानी सॉन्ग मतलब कि सॉन्ग में गैज जो आती है बीट उस तरह का आएगा तो गैज आपको सेकेंड नंबर वाला प्रीसेट को यूज कर देना है तो कुछ इसी तरह से गैज आपको स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक इफेक्ट को लगा लेना है देखो यहाँ पर मैंने कुछ फोटोज़ पे लगाया है गैज क्लिक करूँगा कुछ इस तरह से देखो यहाँ पर गज कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा ये सभी गाज डीजे वाली जो बेट आती है डीजे वाली जो गज वॉइस आती है बेस आती है इस पर मैंने इस फोटो पे इफेक्ट लगाया है ओके फिर से अब आपको बैक हो जाना है फिर से इसी प्रीसेट में आ जाना है तो पहले तो गज डीजे वाला प्रीसेट आपको कुछ इस तरह से यूज कर लेना है उसके बाद में गज यहाँ पर शेक इफेक्ट है जहाँ पर गए थोड़ी सी खटखट -खट की ट्यून आएगी वहाँ पर गज आपको ये सेकंड वाला क्लिक करना है इफेक्ट में आके थ्री डॉट पर आके कॉपी इफेक्ट करके बैक हो जाना है फिर से आज आपको उसी प्रोजेक्ट में आ जाना जिसमें आप एडिटिंग कर रहे हो उसके बाद में क्या जितने भी आप फोटोज़ बच जाएगा ना वो सभी पे आपको यही वाला क्लिप ग्राफ सॉरी गाइस यही वाला इफेक्ट को क्लिक कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इफेक्ट तो Im.. uh -huh? में आके इफ पेस्ट कर देना है Youn... ओके फिर से गाइस इसमें तो हमने लगा दिया था फिर से गाइस इसमें हमने लगा दिया था फिर से इसको क्लिक करेंगे इफेक्ट में आके पेस्ट कर देंगे देन गाइस इसमें भी लगा रखा हूँ इसमें भी लगा रखा हूँ इसको क्लिक करेंगे इफ़ेक्ट में आके पेस्ट कर देंगे ओके फिर से गाइस इसमें क्लिक करके इसमें भी लगा रखा हूँ इसमें भी क्लिक कर लेंगे इफेक्ट में आके पेस्ट कर देंगे ओके सो फाइनली गज यहाँ पर देखो मैंने अधिकतर फोटोज में गैज मैंने लगा दिया है इफेक्ट को एक बार मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखा रहा हूँ देखो कुछ इस तरह से आपको लिरिक्स देखने को मिल जाएगी देन गज यहाँ पर आपने जितने भी फोटोज पर इफेक्ट लगाया है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद में गैज जैसे आप सभी इफेक्ट को अच्छे से लगा लोगे तो आपकी स्टेटस और भी कमाल की देखने को मिलेगा ठीक है अब आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आ जाना है प्लस पर क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आ जाऊँगा देन गैज गैलरी में आ जाता हूँ गैलरी से गाज यहाँ से एक देख सकते तो इस वाले टैंप्लेट को मैं सिलेक्ट कर लूँगा ओके और इसको गाज यहाँ पर थ्री रोड पर क्लिक करके फील कंप्रेशन एरिया पर क्लिक कर देना है देन आपको यहाँ पर इसको जो है इस बारह सेकंड तक आपको आ जाना जहाँ तक आपकी लिरिक्स रहेगी ओके और इधर के एक्स्ट्रा पार्ट टैंप्लेट को ट्रिम कर देना है अब ब्लैंडिंग एंड ओपासिटी में आ जाना है लाइटिंग के ऑप्शन में क्लिक करके स्क्रीन वाली ऑप्शन को इनेबल कर देना है अब जो है ना आपकी जो लिरिक्स है और भी कमाल की देखने को मिलेगा देख सकते हो कुछ इसी इस तो तरह का लिरिक्स बन जाएगा अभी आपको पूरी यहां तक आ जाना जहां तक आपकी लिरिक्स खत्म हो जाएगी जैसे कि बारह सेकंड्स के बाद में लिरिक्स खत्म हो जाती है यहां आ जाना जहां से फोटो स्टार्ट होगा प्लस पे क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आ जाना है गाइज उसके बाद में आपको यहाँ से गैलरी में आ जाना है ओके और गैलरी से गाज यहाँ से क्या करते हैं एक ब्लू स्ट्रोक पी को हम क्लिक करके सिंपली यहाँ से ऐड कर लेते हैं ओके तो गाजी यहाँ पर मैं इस ब्लू स्ट्रोक पी को ऐड कर लूँगा मूव एंड ट्रांसफर में आकर सेकंड ऑप्शन में क्लिक करके 180 डिग्री माइनस कर देना है रूटेड देन गाजी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन को क्लिक करके जूम कर लेना है और इसको नीचे ले आकर फिक्स कर लेना है थोड़ा ओके बैक हो जाना फिर इसकी ड्यूरेशन को वीडियो को पूरी लास्ट तक चले आना यहाँ तक कर देना

अभी गाइस देखो मैं स्टार्टिंग से आपको वीडियो को प्ले करके दिखा रहा हूँ कुछ इसी तरह का लिरिक्स वाली स्टेटस गाइस आपके भी बन के अब रेडी हो जाएगा गाइस जितना भी मटेरियल मैंने यूज़ किया इस वीडियो के एडिटिंग के लिए सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको हमारी टैंपलेट या मटेरियल कुछ भी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हाउ टू डाउनलोड माय ऑल टैंप्लेट ओके तो जाकर उस वीडियो को देख लेना और वीडियो के एंड में आना जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा प्रिम कर देना उसके बाद मैं गाज इस ऑप्शन में क्लिक करके वीडियो को फुल एच डी में गैलरी में सेव कर लेना तो अगर वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो तो अगर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में